अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली वीडियोस में आपने मेरे सर्टिफिकेट्स देखे, आज मैं आपको बेसिक आई मेकअप करना सिखाऊंगी। और ये मेरे पास पैलेट है, ये वाली, ठीक है। पैलेट कोई सी भी हो, बेसिक आई मेकअप बहुत सिंपल है जो आप आम डे में कर सकते हैं। फाउंडेशन है, देखिए मैंने इस पर फाउंडेशन अप्लाई किया है ये वाले ब्रश की मदद से, आपको नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का। देन मैंने ब्रश और आई पेंसिल की मदद से जो है इसकी आई स्केच ड्रॉ किया। मैंने शार्प नहीं ड्रॉ किया है, हल्का हल्का ड्रॉ किया है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम अपनी आईब्रोज को फिनिश करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ताकि आपको मैं बिल्कुल बेसिक मेकअप जो है वो सिखा सकूं। अब मैं ये वाला डस्टी शेड जो है इसका नाइट स्काई, ये लूँगी। और छोटा ब्रश लेना है, कोई सा भी छोटा सा ब्रश ले लें जिसके ब्रिसल्स छोटे हों। और ये हमने जो है ना आईलिड के ऊपर अप्लाई करना है इस तरीके से। फिर इसके बाद इसे हल्का हल्का हाथ से ब्लेंड करेंगे। ऐसे ब्लेंड करना है कि सिर्फ किनारा इसका बना रहे और बाकी ये आई पे फैल जाए, ठीक है। हाफ आई को हमने कवर करना है, इसका जितना फॉल आउट हो रहा है ना वो हमने सारा अंदर की तरफ ले लेना है। टेक्निक आपको समझ आ रही है कि वो हमने उसी को ड्रैग करते हुए ना आई के सॉकेट पे फैला लिया है पूरा, बिल्कुल राउंड मोशन में मैं ब्रश चला रही हूँ। अच्छा, जब ये हम इस तरह बना रहे होंगे ना तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये खुद ही फैल के ना आईलिड पे भी आ जाएगा। अब हमारे एजेस जो है, अब हम इसे हल्के से खाली ब्रश की मदद से ब्लेंड करेंगे ताकि शार्प एज ना लगे। और फाउंडेशन की बेस बनी हुई है, या आप प्राइमर ले लें, आई प्राइमर या कंसीलर ले लें, उस बेस पे आप ये काम करेंगी तो ज़्यादा अच्छा हो। ये हमारे कॉर्नर्स भी हल्के हल्के ब्लेंड हो गए। देन मैं इसका थोड़ा सा मैट शेड दूंगी, ये पिंक वाला, बिल्कुल मैंने थोड़ा सा लिया है। इसे मैं किनारों पे ड्रैग करूँगी। देखें, एवरीडे मेकअप में हम कभी भी आईलैशेस नहीं लगाते। एवरीडे मेकअप जस्ट ऐसा हो कि आपकी आई प्रोमिनेंट लगे, सही है। हल्का 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 ये आपने ब्लेंड कर दिया। अब ये जो गोल्ड शेड है ये मैं लूँगी दूसरे ब्रश की मदद से और इसे किनारे पे लगा दूँगी। हल्का हल्का से भी डैबिंग मोशन में ब्लेंड करते जाएंगे। इस तरह क्या हुआ, आपका आई सॉकेट जो है डिफाइन हो गया और आईज आपकी खुली खुली लगेंगी। अब ये मैं क्योंकि डमी पे कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा शेड भी अप्लाई कर रही हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, पिगमेंटेड हो रहा है। तो आप जब आई पे करेंगी तो थोड़ा सा आपको ब्लेंड अच्छा करना पड़ेगा। अब आप खुद देखें आई की लुक कितनी, ये वाली आई देखिए और ये वाली देखें, फ़र्क आपको लग रहा है ना, आई का शेप थोड़ा सा इन्हेंस हुआ है। देन मैं इसको ब्लैक कलर में मर्ज करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है, देखें ऐसे भी अगर थोड़ा सा झाड़ लें तो। अब हम इसका आई कॉर्नर डिफाइन कर देंगे। बहुत हल्के हाथ से और ये देखिए, ये लाइट पार्टी मेकअप आप आईज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, रेडी हो गया।
लैशेस लगा के इसे आप पार्टी मेकअप की लुक दे सकती हैं। इसे थोड़ा सा जब हम, क्योंकि ये डमी है तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है आई मेकअप, उभरा हुआ इन्हेंस लग रहा है, लेकिन जब अपनी आईज पे करेंगी तो बहुत ब्लेंडेबल और सेटल मेकअप होगा। आप लोग जब करें ये मेकअप तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कैसा लगा आपको, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ आप लोगों को नया कुछ बताने। अल्लाह हाफिज़।